चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पैसे का हिसाब है अपना, जो पैसे ज्यादा खिलाएगा उसे वो जीतेगा। युवा किस लिए होता है, नाम किस लिए होता है, मानने के बाद में किसी के जल्लूस में जा रहा, किस लिए जा रहा हूँ भाई, मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ बनेगी। चारों ओर जो है आवाज लग रही, विकास विकास विकास, लोग कह रहे हैं कि हाँ जी विकास करावेंगे करावेंगे, लेकिन कौन करावेगा, कब करावेगा। सीसे में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर हम आज कस्बा कांधला में है। कस्बा कांधला जिला शामली में आता है और जिला शामली का ये कांधला कस्बा है, जिसमें हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये आपसी नुक्कड़ है यहाँ से, और नुक्कड़ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, और हम लोगों से ही बातचीत करके पता करेंगे कि होने वाले नगर निकाय चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका, क्या नाम? मेरा इरफान अहमद है जी। इरफान जी, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि अभी क्या स्थिति है चुनाव की, कितनी जानकारी चुनाव की मिली है अभी तक? भाई साहब, अभी पर्चे भरे जाएंगे, जब डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन, जब ये इलेक्शन खुल के सामना होगा। अभी तो 7-8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। जनता के इन चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं, नगर परिषद में जो काम होते हैं, क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए हैं जनता के बीच? हाँ नहीं, काम तो हो रहे हैं जी, सब हो रहे हैं। सफाई सुथराई का जो काम है वही हो रहे हैं। अब के साल में नहीं कुछ काम हुआ, अब की योजना में, पिछली योजना में बहुत काम है। किस तरह के काम होते हैं नगर के? होते हैं जी काम सड़कों के, सफाई के। तो कितना और भी लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम इजाज़ सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव है, क्या चहल पहल है आपके कस्बे में अभी? चहल पहल तो बस यही है, नरेश होगा अब के। तो आपको लगता है कि इस बार रेस में रहेंगे नरेश सैनी जी? पहला नंबर है नरेश का अब के जी। आपका क्या नाम? आसिफ हसन। आपको क्या लगता है जनता के जो मुद्दे होते हैं, क्या उनको लेकर नगर निकाय चुनाव में बात होती है या उन पर काम होता है? काम तो बहुत हुए है, ना होने का तो मतलब ही नहीं भाई। सड़कें बनवाई उसने, ट्यूबवेलें लगवाई, मतलब जो है सफाई करवा रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसका ही शासन में। बबला ही होगा, बबले का ही बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ रात। ये तो कह रहे हैं नरेश सैनी जी भी, जब ये नरेश सैनी का तो नरेश की कह गए तो या नहीं, हम बबले के ठोक के। आपके हिसाब से जनता के क्या काम होने चाहिए आपके नज़रिए? सब काम हो रहे जो है, झूठ बोले जो भी कहे, काम नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं। नमस्कार जी भाई, जनता घटी भाई साहब, क्या नाम आपका? सादिक। आपको क्या लगता है क्या चहल पहल है कस्बे में? अभी तो सस्पेंस में लगा, कोई खुलकी ही नहीं है कुछ भी, बहुत घूम रहा चुनाव, कोई लग नहीं रहा मुझे किसी का भी। अभी तो बहुत सस्पेंस में है, पब्लिक भी खुल के नहीं बता रही क्या है। जो अभी जैसे नगर पालिका के काम होते हैं इस तरह के, और जो जो पैसा आता है विकास के लिए, क्या वो जनता के कामों में लग पाया है पिछले समय में, पिछले सालों में? भाई चेयरमैन साहब तो ये कह रहे, कल सुना मैंने कि पैसा बहुत कम आया, बजट में था ही नहीं नगर पालिका के लिए पैसा। कल मैंने उनकी एक वो सुनी है वीडियो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो पैसे का हिसाब है अपना, जो पैसे ज़्यादा खिलाएगा उसे वो जीतेगा। ये दूर है मुद्दे यहाँ पे, हमारे कस्बे में भी विकास होता है। देखो हमारे कस्बे में जो नाली का छोड़ा निकल जाता है ना, वो दोबारा उल्टा नाली में डलता है, कोई उठाने वाला नहीं है इसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम वाजिद मिस्त्री है, मोहल्ला मोहल्ला नान में से। पहले जो चेयरमैन साहब रहे हैं उनको, वो कभी आते हैं? प्रेम चैन चेयरमैन साहब थे, उन्होंने काम किया था, उनसे अलावा किसी ने काम नहीं किया। या हजी सलाम साहब आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। फिर हम हाजी और बबला साहब है हमारे, चौधरी साहब है, जो हमने उनको वोट दिया 10 साल, कोई काम नहीं हुआ। तो हमारा जो नया युवा है, तो इंशाल्लाह किसी तरह चेयरमैन बदले। ये युवा किस लिए होता है, नाम किस लिए होता है, मानने के बाद में किसी के जल्लूस में जा रहा, किस लिए जा रहा हूँ भाई, मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ बनेगी, कुछ नहीं, वोट लेते हैं घर में बैठ जाते हैं बस। तो कौन रेस में नज़र आ रहा है आपको? देखो रेस में तो दो आदमी रह गए, रजमुल इस्लाम है, एक नरेश सैनी है बस। क्या नाम आपका, क्या नाम है? मोहम्मद इशाद। इशाद भाई, क्या लगता है अभी नगर पालिका चुनाव है आपके यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या जनता के मुद्दों को लेकर बात होती है? नहीं, यहाँ नहीं होती। तो क्या बातें होती है चुनाव में? यहाँ तो बस जो है कितने बिकाऊ वोट हैं ज़्यादातर, उनके बारे में होंगे ज़्यादातर, तो कुछ विकास के बारे में तो कोई उठा ही ना कोई मुद्दा, विकास का मुद्दा कोई नहीं उठाता। ये भाई ने दिखाई ना नाली, ये कम से कम 15 दिन के बाद में हो वैसे पता।
और अब से नहीं, ये पहले से इस तरह है। क्या आपका क्या नाम? विक्की सैनी। विक्की भाई, आपको क्या लगता है नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, कुछ काम वाम होते हैं या नहीं? काम होते भी हैं, काम नहीं भी होते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल की। हॉस्पिटल बढ़िया है, उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। गरीब आदमी शामली जाता है और शामली में 500 रुपये का पर्चा बनता है, हर एक की जेब में 500 का पर्चा नहीं होता बनवाने का। कम से कम इतनी सुविधा कांदले के अंदर हो कि गरीब जनता यही दिखा ले। आपका क्या नाम बड़े मियाँ? मोहम्मद नफीस। चुनाव है आपके यहाँ, वोट करते हैं आप? हाँ, वोट करेंगे। क्या होना चाहिए चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद किस तरह की सुविधाएं उम्मीदवार को लानी चाहिए आपके लिए? ये सड़कें टूट रही, इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताओ, 6 महीने की सड़क अरे ख़त्म होगी, 6 महीने तो चली भी नहीं, सीधी 2 दिनों से छोटी नहर तक। तो आप क्या देख रहे हैं इस बार? कौन रास्ता खराब हो गया, हमारी रिक्शा भी टूट ली, उसमें इतने गड्ढे हो रहे हैं उसमें। जनता के लिए आप किस तरह से देखते हैं, किन चीज़ों को? जनता परेशान है, पूरे शहर में विकास नहीं है, चारों ओर जो है आवाज़ लग रही विकास विकास विकास, लोग कह रहे हैं कि हाँ जी विकास करावेंगे करावेंगे, लेकिन कौन करावेगा, कब करावेगा? अब जनता भी होशियार होगी बड़ी, करा लेगी जनता भी, ऐसी बात नहीं है। जनता भी चुन लेगी किसी को, कोई तो मिलेगा विकास करने वाला। लेकिन एक आम नज़रिए से देखा जाए, किन चीज़ों को लेकर लोगों को वोट करना चाहिए आपके नज़रिए से? भाई विकास को लेकर करना चाहिए। हिंदू मुसलमान को कौन छेड़ रहा? मैं एक मुसलमान हूँ, वहाँ पड़ा जंगल में कौन छेड़ के दिखावे? हिंदू छेड़ के दिखाओ, या मैं मुसलमान हूँ, मेरे महल्ले में 1-2 घर हिंदू का है, मैं उसको डिस्टर्ब करके तो दिखाओ। इसका कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान का, ये तो वोट बैलेंस है नहीं, के वोट बैंक है इनका, तो ये तो चलता है बढ़िया सारी जगह चल रहा है धर्म मजहब को लेकर। लेकिन धर्म मजहब से कुछ नहीं होता, मान के चलो कोई भाई हमारे खिलाफ मजहब से नहीं के दूसरी पार्टी सरकार बनागी, तो वो काम जब करेगी उससे लाभ तो हमें भी होगा, सड़कें तो हमारी भी बनेगी, लाइटें और जो भी होगा वो सारा कुछ बनेगा। हम नगर पालिका कस्बा कांदला में थे, जहाँ पर हमने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की जो नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं उनमें जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वोट होनी चाहिए। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश तक आप तो खबरें आती रही। धन्यवाद।